यह है डिजिटिक का फ्लैश, जो कि मेरा नहीं मेरे फ्रेंड का है, और ये फ्लैश काफ़ी अच्छा है। और डिसेंट सा फ्लैश है। अगर ये आपके पास कोई फ्लैश नहीं है और आप पहला फ्लैश खरीदना चाहते हो तो ये फ्लैश आपको बहुत काम आएगा। और इसमें 4 AA वाले सेल्स जाते हैं, देख सकते हैं आप। और काफ़ी बेस्ट पार्ट इस फ्लैश का ये है कि इसके साथ एक ट्रिगर भी आता है, तो इसको जब आप ऑन करते हो तो इसमें वैसे मोड्स है M, S1, S2 पावर और वो सब, और आप चेक कर सकते हो, पावर कम ज़्यादा कर सकते हो, पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, मोड चेंज कर सकते हो और टेस्ट फ्लैश भी कर सकते हो। तो ये जो माउंट है कैमरा फ्लैश, वो एक्चुअली शायद यूनिवर्सल है। जो मेरा जो दोस्त है वो उसे निकॉन पे यूज़ करता है, मैं कभी कभी सोनी पे करता हूँ तो भी चल जाता है। ये है उसका ट्रिगर और ये दोनों साथ में ही आते हैं। अभी फिलहाल ये ट्रिगर उसका कुछ दिनों से काम नहीं कर रहा है, शायद से उसका सेल खत्म हो गया है, वरना मैं आपको इसे इस्तेमाल करके बताता था। तो देखिए, अगर आपको इस फ्लैश को और इस ट्रिगर को पेयर करना है तो सेम चैनल पे दोनों चीजें होनी चाहिए। जैसे कि ये चैनल 1 पे है तो चैनल 1 ऊपर कर दिया, और ट्रिगर में भी वही सेम करना है, दोनों पे चैनल 1 पे होना चाहिए, तो ये सिंक हो जाता है। कोई ज्यादा मेहनत की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है और इसकी क्वालिटी भी डिसेंट है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी नहीं कह सकते, बहुत ही बुरी भी नहीं कह सकते, बहुत ही डिसेंट क्वालिटी। ये जो पोर्ट है यहाँ पे, मैं भी श्योर नहीं हूँ क्या जाता है, शायद से पावर करने का या फिर कोई और इक्विपमेंट जाता है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए और कमेंट्स में सबको भी बताइए। एक और पोर्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा था जहाँ पे कुछ तो जा सकता है, लेकिन मैंने उसे खोल के नहीं देखा क्योंकि मेरा दोस्त बोल रहा था कि उसे खोल मत, क्योंकि उसने भी उसे कभी खोला नहीं था आज तक। तो ये फ्लैश का आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं राइट लेफ्ट, जो भी है आप कर सकते हो आपके हिसाब से, और जिस एंगल से आपको चाहिए उस एंगल से आप इस फ्लैश को फायर कर सकते हो। और ये जो इसका फीलिंग है वो काफ़ी अच्छा है, ये कंपैरेटिवली नया फ्लैश है तो इसमें कुछ ज़्यादा टक टक नहीं हो रहा है, एकदम अच्छा स्मूथ है ये और काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कौन से डिग्री में ये फ्लैश है, 40, 60, 75 और 90 पे नहीं। ओ माय गॉड, ये फ्लैश भी चाइना में ही बना है, चाइना में बने हुए फ्लैश। ओके, कोई बात नहीं। और इसके ऊपर आता है एक छोटा सा प्यारा सा डिफ्यूजर, जिसको आप यूज कर सकते हैं लाइट को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए डिफ्यूजर, और उसके पीछे है एक रिफ्लेक्टर जिससे कि आप लाइट को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो ये फ्लैश पहले फ्लैश के लिए काफ़ी सही है और इसकी प्राइस लगभग 2,000 से 3,000 के बीच में होनी चाहिए, और उतनी ही है उसकी प्राइस। तो ये फ्लैश सही है, मेरा दोस्त इस्तेमाल कर रहा है इसको 3 साल से, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, बस इसका ट्रिगर थोड़ा सा शायद सेल की वजह से खराब हुआ है।